ये वो पहाड़ है जिसके अंदर जा कर के रशियन लोग रहते हैं जंगलों में। एक पल के लिए आपको यहाँ पे डर भी लग सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक लोग भी होते हैं, जादू टोना टाइप सा चीज़ें यहाँ पे होती है। आरंबोल में फेमस है स्वीट वाटर लेक, उसको एक्सप्लोर करने निकला हूँ। लेट्स गो। आरंबोल लेक निकल रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है। बहुत सारे रेस्टोरेंट के आगे आगे से निकल के, गलियों से निकल के वो ट्रैक करके जाना होता है। वो हम अगर आप सोचते हो कि आपको मिल्की वे रोड मिलेगा तो ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे तैसे हाइक करके आपको चलना पड़ेगा। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये आरंबोल का सबसे फेमस सीनिक व्यू पॉइंट है। यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत सारे फोटोज़ खिंचवाते हैं। ये जगह बिल्कुल सुकूनदायक है। जब आप स्वीट वाटर लेक को ट्रेक करोगे, रेस्टोरेंट्स के बीच से अंदर से गली से निकलोगे, तो आपको ये रास्ते में ही आएगा। इसको भी कवर करना, अभी स्वीट वाटर लेक की तरफ बढ़ता हूँ। अरे मुझे पता है, मैं पूरा घूमता रहता हूँ। ठीक है, वो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो आ जाता है इतने तक में। ऐसे जब आप रास्ते में स्ट्रीट वॉक करोगे तो आपको बहुत सारे शॉप मिलेंगे गोवा में, लिटरली जहाँ पे गोवा के लोकल क्लोथ्स मिलेंगे। मैंने भी एक वेयर किया है, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाम बोलेंगे लेकिन आपको कम में लेना है। इधर किधर भी घर बना देते हैं यार, ये देखो पहाड़ के ऊपर में बना दिया इन्होंने। सीढ़ी भी बना दी है ऊपर जाने के लिए, सीजन में कमाने के लिए। एनीथिंग ब्रो, एनीथिंग। स्वीट वाटर लेक जाते जाते वक्त आपको बहुत सारे अच्छे व्यू पॉइंट्स भी मिलेंगे। बहुत इजी नहीं है रास्ता, मतलब तो फैमिली को लेकर के आना तो थोड़ा मुश्किल सा ही लग रहा है यहाँ पे। बस आरंबोल में हाइक करके यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, अब बस 200 मीटर ही है पास में, लेकिन वहाँ पे रास्ते में लिखा हुआ है डेंजर, रास्ता वहीं पे बंद हो जाता है आने जाने का। अब ये पूरा समुद्री इलाका है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो अपने रिस्क पे वहाँ तक पहुँचे। जय बजरंग बली, चलो। इधर इलेक्ट्रिक के तार है और यहाँ से झुक के निकलना है भाई। बहुत मुश्किल रास्ता है यार। पहुंच चुका हूँ स्वीट वाटर लेक पे, जो कि आरंबोल में काफ़ी फेमस है। सीज़न के टाइम पे यहाँ पे बहुत फॉरेनर्स लोग होते हैं, यूजुअली लोग यहाँ समंदर में बात करना अलाउ नहीं है इधर, तो लोग स्वीट वाटर लेक में स्नान करते हैं। बहुत तादाद में लोग यहाँ पे स्विमिंग करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अभी मैं आया हूँ उसको एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन रास्ते बहुत ख़तरनाक है। एक रास्ता और है यहाँ पे पहाड़ के ऊपर से जंप करके आते हैं, अभी जाते वक्त उधर से ही जाऊँगा। यहाँ पे से नो टू ड्रग्स लिखा हुआ है, पुलिस ने डाला है, और यहाँ पे नो एंट्री का एक बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन बोर्ड भी है। ये ठीक स्वीट वाटर लेक के बगल से ही है ये बोर्ड है, ये स्वीट वाटर लेक। ये वो पहाड़ है जिसके अंदर जा कर के रशियन लोग रहते हैं जंगलों में। जंगलों के बीच से गुजरना पड़ रहा है, पहाड़ के अंदर में कटा कटा सा रास्ता है।
पूरा जंगल में इधर खो गया हूँ, स्वीट वाटर लेक के आगे जंगलों के झाड़ियों में घुस घुस के, पर डर भी लग रहा है यार। मतलब उधर लिखा हुआ भी था नो एंट्री करके। हम लोग से आगे 4-5 लोग गए हैं वहाँ पे जो स्वीट वाटर लेक पे थे, लेकिन उसे कैच नहीं कर पाया कि वो किधर चले गए। मुझे लगता है आगे होगा। मैंने सुना है इधर एक बनियान ट्री है, बहुत बड़ा बनियान ट्री है, उधर बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, वो एक फेमस डेस्टिनेशन है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये रास्ता शायद वो बनियान ट्री ही जाएगा। अगर वो जाएगा तो वो तो काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है, लेट्स गो। लेकिन ये ऑफ सीज़न है तो शायद मुझे इस रास्ते में कोई भी नहीं मिल रहा है, लेकिन सीज़न के टाइम पे तो इधर से लोग आते जाते रहते होंगे। लेकिन बट दिस इज़ अ सीक्रेट प्लेस, नोबडी नोज, बहुत कम लोगों को ये जगह पता है कि इस तरफ से रास्ता है। चलो आगे देखते हैं। मेरे को लग रहा है कि मैं उधर ही जा रहा हूँ, बनियान ट्री की तरफ। मैंने एक लड़के का व्लॉग में देखा भी था, बनियान ट्री जाने का रास्ता कुछ ऐसा ही था। सबसे बड़ी बात है कोई इमरजेंसी नंबर नहीं इधर पे जिसको आप कॉल कर सको, जिससे आप कुछ पूछ सको यहाँ के बारे में। थोड़ी राहत के साथ आई है मुझे यहाँ पे जंगलों के बीच में। ये एक्चुअली में बनियान ट्री का ही रास्ता है, इसके पहले ही एक मैंगो ट्री आता है। मुझे कुछ रशियंस मिले वहाँ पे, टेक बात कर रहे थे, इट्स अ सीक्रेट प्लेस, इधर आना बिल्कुल कम लोगों को पता है। इवन जो गोवा आते हैं वो लोग गोवा घूम करके ही चले जाते हैं, लेकिन असली जो जगह होती है एक बनियान ट्री यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ लोग बैठते हैं। कहते तो इधर फॉरेनर्स लोग जो होते हैं बहुत न्यूड भी होते हैं, इधर घूमते रहते हैं और इधर ही बात करते रहते हैं इस नाले में। मैंने भी देखा बहुत सारे रशियन लड़के लड़कियाँ लोग थे, वो लोग बात कर रहे थे वहाँ पे। पता नहीं क्यों मैंने नोटिस किया है जो रशियन लोग होते हैं वो लोग साइलेंट लोकेशन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने अभी इधर रास्ते में, ये जो नाला आप देख रहे हो ये स्वीट वाटर का लेक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहते पानी में नहा रहे थे, एक नेचुरल पोंड है। अभी मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बनियान ट्री जो है वो अब कोलैप्स हो चुका है, इस सीज़न में वो गिर गया है, तो अभी वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। मे बी उसको अच्छे से फिर से बनाया जाए और उस लोकेशन को थोड़ा सा रहने लायक बनाया जाए, लेकिन इससे पहले एक मैंगो ट्री है, अभी उसकी तलाश में मैं जाता हूँ। एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी गोवा का स्वीट वाटर का जो सोर्स है, उसे कहते हैं कि ये बहुत लंबा है, इतना पास में नहीं है, ये बहुत लंबा है और बहुत दूर तक जाता है। ये बिल्कुल घना जंगल है, इसके अंदर में ये पानी इधर से आता रहता है, ये ऊपर पहाड़ों से गिरता है और बारिश चलता जाता है, ये जाकर के लेक पे मिलता है। कहते हैं कि इसे जितना एक्सप्लोर करो कम है, ये आरंबोल का जंगल है। और ये भी माना गया है कि रशियन लोग रात को यहीं पे सोते हैं, इसी जंगल में बोन फायर करते हैं वो लोग अपने कपड़े से, वो जंगलों के बीच में वो बनाते हैं अपना घेराव करते हैं और यहीं पे रहते हैं, यहीं पे स्नान करते हैं और फैमिली के साथ भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और वो लोग इधर ही सीक्रेटली रहते हैं। तो अगर वैसा कुछ मुझे घर दिखा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। फ़िलहाल तो मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, पूरी जंगल में पूरे ऊँचे ऊँचे जंगल है। मेरे साथ जो साथी है वो तो कह रहा है कि अब बस अब डर लग रहा है, चलते हो वापस, चलते हो वापस, लेकिन जब ठानी है कुछ ढूंढने की तो ढूंढ के जाएंगे, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ऐसा ही सही। और इस साला अभी वो देख, फाइनली मुझे वो रशियन का घर मिल गया है। एक पल के लिए आपको यहाँ पे डर भी लग सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक लोग भी होते हैं, जादू टोना टाइप सा चीज़ें यहाँ पे होती है, भस्म लगाई जाती है, आग लगाया जाता है, साधु जैसे रशियंस भी आते हैं, वो लोग भी इधर बैठते हैं, तब तपस्या करते हैं, मतलब कुछ बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें हैं इधर। खैर मुझे कुछ छूने में डर भी लग रहा है, लेकिन जहाँ तक कि मैं इन सब चीज़ों में, जादू टोना वगैरह में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बट हाँ इतना पता है कि दे कम, बट जादू टोना आई एम नॉट श्योर अबाउट।
कहते हैं इधर जंगली जानवर भी दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे दिखा नहीं है, लेकिन हाँ डर बना रहता है कि किधर से कुछ भी आ सकता है, सांप तो डेफिनेटली। एक्चुअली आप मुझे इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है जब लोग आते जाते होंगे तो वो पैरों के निशान होते होंगे, वो रास्ता कटा सा होगा। अभी ये बरसात का मौसम है तो सारे झाड़ उग गए रास्ते में, तो यहाँ से बिल्कुल चारों साइड से पैक सा है। तो बस दिस इज़ द लास्ट, आई एम गोइंग बैक। अच्छा लगा, सुकून मिला कुछ, अगर डर के मारे वापस चला जाता तो शायद ये सब चीज़ें नहीं देख पाता। अभी जब एक बार आ गया तो अब वापस जाने में डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी, काफ़ी मज़ा आया जंगलों में भटक के कह लो। और डू नॉट डिस्टर्ब देम, लेट देम बात। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट पॉन्ड थे जिसमें रशियन लोग नहा रहे थे। अभी मैं निकलता हूँ, मेरे तो हो गया, अभी और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। ये समुंदर, इसके ऊपर पहाड़, स्वीट वाटर लेक जाने का, अगर आपको समुंदर भर जाता है तो लोग कैसा है यार, सब इधर ही पी के फेंक देते हैं। देखो बोरा बोरा में भर के फेंका हुआ है सब बोतल, पियक्कड़ लोग। स्वीट वाटर लेक वहाँ पे है, वहाँ पे जाने के लिए आप इन पहाड़ों से समुद्रों से ऐसे होकर के जा सकते हो, या फिर इसके अंदर एक पतला जंगल के रास्ते से गुफा है उसके अंदर से जा सकते हो। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।